जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इरफान और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना बता रहा हूं। प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसका मेजरमेंट है लंबाई 14 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, चेस्ट सीना है 36 इंच, वेस्ट यानी कि कमर है 30 इंच, स्लीव लेंथ है 6.5 इंच, आर्मोल है 13.5 इंच, स्लीव का विड्थ है 11 इंच, नेक फ्रंट नेक है 6.5 इंच और बैक नेक है 9 इंच। इस मेजरमेंट का हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज इस वीडियो में कटिंग करना सीखेंगे। कपड़ा हमने लिया है 90 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। लंबाई है 14 इंच और 1 इंच प्लस करके 15 इंच मार्क लगाएंगे। जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है। ये लेंथ का मार्क हो गया। आर्महोल डाउन करेंगे 6.25 इंच। चेस्ट 36 है, आर्महोल डाउन 6.5 इंच। शोल्डर है 5.5 इंच और 0.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन 6 इंच। यहां हम स्ट्रेट करेंगे इसको। चेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच, 9 चौके 36 और यहां से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर है 30 इंच, 30 का चौथा हिस्सा 7.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहां जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया है वो 1.5 इंच यहां भी एक्स्ट्रा मार्जिन लगाना है। यहां से एक मार्क लगाएंगे 4 इंच पे और यहां से 4 इंच या फिर 4.5 इंच, तो हम 4.5 इंच पे मार्क लगा रहे हैं ऐसे 4.5। अब यहां टक्स का मार्जिन 1 इंच है तो इस 1 इंच को यहां आधा आधा कर देंगे, तो 0.5 इंच इस तरफ और 0.5 इंच इस तरफ। यहां से मार्क लगाएंगे 1.5 इंच। अब यहां हम नेक का मार्क लगाएंगे, तो नेक का विड्थ 2.5 इंच, 2.5 इंच, नेक डिप 9 इंच, 9 इंच। अब यहां हमने 2.5 इंच लगाया है तो यहां 0.5 इंच प्लस करके 3 इंच लगाएंगे। और यहां गले में जैसा शेप चाहिए वैसा मार्क लगा लेना है, तो हम नॉर्मल यहां राउंड करेंगे। तो ये बैक का मार्क कंप्लीट चुका है, इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस चैनल के अलावा मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है जीके सोहाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जीके सोहाना यूट्यूब चैनल का, तो वहां से आप मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दिया है। तो बैक हमने कटिंग कर लिया है, अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कट करने के लिए क्या करना है, फ्रंट कट करने के लिए हमने एक पेपर लिया है। इस पेपर में हम पहले फ्रंट कट करेंगे उसके बाद कपड़े में कट करेंगे, क्योंकि कपड़े में हमको मार्जिन ऐड करना होगा इसलिए हम पहले पेपर में फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहां से 0.5 इंच
हाफ इंच पे एक मार्क लगाना है, यानी आधा इंच मार्जिंग रखना है काज बटन के लिए या फिर हुक आई के लिए। अब इस वाले मार्क में ऊपर से बराबर रखते हुए और इस मार्क में बराबर रखते हुए ऐसे रख लेना है इसको, और एक मार्क यहां लगाना है। और ये वाला जो मार्क है इसको भी हम यहां लगा लेते हैं, ये पॉइंट। लेंथ में आधा इंच हाफ इंच ज्यादा मार्क लगाना है, यानी बैक में हमने जितना मार्क लगाया है उससे आधा इंच फ्रंट में ज्यादा लगाना है, ऐसे हाफ इंच प्लस करना है। बैक में हमने 1.5 इंच मार्क लगाया था तो फ्रंट में यहां से 1 इंच पे मार्क लगाना है। नेक का मार्क लगाएंगे, नेक का मेजरमेंट है फ्रंट का 6.5 इंच, 6.5 इंच। यहां 2.5 इंच है तो यहां भी 2.5 इंच लगाना है। कमर का मेजरमेंट है 30 इंच, 30 का चौथा हिस्सा करेंगे 7.5 इंच, और 2 इंच यहां से एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, 2 इंच ये प्लस करना है प्रिंसेस कट ब्लाउज में, तो 2 इंच यहां से प्लस करना है और 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ ऊपर से आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच प्लस करना है। सीना का चौथा हिस्सा 9 इंच और 1 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच। यहां से मार्क लगाएंगे 4 इंच। अब यहां 4 इंच है तो यहां नीचे क्या करना है, आधा इंच कम कर देना है, यहां 3.5 इंच। और यहां से आधा इंच में मार्क लगाएंगे, हाफ इंच, ऐसे। इसको क्या करना है, इसको यहां इसमें हम ऐसे मार्क लगा देंगे और फिर इसको ऐसे लेकर आना है, यहां इसमें इसमें ऐसे मिलाना है और यहां इसको इसमें मिलाना है। और यहाँ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, ये 2 इंच, तो यहाँ ये 2 इंच आपको ऐसे मार्क लगा लेना है और यहाँ से इसको ऐसे गुलाई करना है। अब यहाँ बैक को यहाँ ऐसे ऊपर से बराबर करते हुए ऐसे रखना है और यहां आपको ऐसे मार्क लगा लेना है। और यहां से आधा इंच हाफ इंच पे मार्क लगाना है और यहां आपको इसमें इसको ऐसे मिला देना है। तो ये फ्रंट का मार्क कंप्लीट हो गया है। अब इसको कटिंग करेंगे, उसके बाद कपड़े में रख के मैं आपको कट करना बताऊंगा कि कैसे इसको कट करना है। इस वाले मार्क को यहां आप इसको ऐसे ऊपर तक ले कराना है।
अब क्या करना है, यहाँ से सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करना है। तो 1 सेंटीमीटर 3 सूत का सिलाई का मार्जिन आपको यहाँ मार्क लगा लेना है। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का सिलाई का मार्जिन। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर का सिलाई का मार्जिन आपको ऐड कर लेना है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। स्लीव का लंबाई है 6.5 इंच और 1 इंच प्लस करेंगे 7.5 इंच। जितना भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करना है। आर्म होल डाउन करेंगे 3 इंच। आर्म होल है 13.5 इंच, 13.5 का आधा करेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। विड्थ है 11 इंच, 11 का हाफ करेंगे 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ हमने 3 इंच आर्म होल डाउन किया है तो यहाँ से भी 3 इंच पे मार्क लगा लेंगे ऐसे। अब इस वाले मार्क को इस वाले मार्क में मिला देना है और इसको यहाँ से ऐसे शेप करना है। यहाँ से 1/2 इंच ऐसे शेप में कट करके निकाल देना है। यहाँ एक हम नोच लगा देंगे, हमको पता रहेगा कि ये फ्रंट साइड है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसको स्टिचिंग करना, सिलाई करना बताऊंगा।